आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। जब आप IVF करवा रहे होते हैं तो आपको ये समझना जरूरी है कि IVF कैसे काम करता है, उसके सक्सेस रेट क्या है, एज के मुताबिक सक्सेस रेट होता है वगैरह वगैरह। लेकिन जब ये एग्स निकाले जाते हैं तो आपको ये काउंसलिंग में बताया जाता है कि 80-85% एम्ब्रियोस अब नॉर्मल होते हैं, ये ब्लास्टोसिस्ट नहीं बनेंगे। ऐसा क्यों होता है? जब इतना आप खर्च कर रहे हो, इतने दवाएं ले रहे हो, इतना मॉडर्न टेक्नोलॉजी बताया जाता है, तो क्यों ये एग्स, सारे के सारे एग्स जो फर्टिलाइज किए जा रहे हैं, क्यों ब्लास्टोसिस्ट या डेफाई के एम्ब्रियोज नहीं बन रहे? आइए आज ये इम्पोर्टेंट बात समझने की कोशिश करें। पहले तो IVF की सच्चाई के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जो भी आपके IVF प्रोसेस में इन्वॉल्व है, चाहे वो रिसेप्शनिस्ट हो, नर्स हो, डॉक्टर हो, एम्ब्रियोलॉजिस्ट हो, ये याद रखिए, हर एक का उद्देश्य होता है कि आपको बेस्ट पॉसिबल आउटकम दे, दैट इज पॉजिटिव दे। बट ये जरूरी है कि एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो एज के मुताबिक होते हैं, डॉक्टर्स के भी, क्योंकि एज अगर ज्यादा हो तो एक्सपेक्टेशन कम होता है। एग क्वालिटी अच्छा ना हो, स्पर्म क्वालिटी अच्छा ना हो, तो सक्सेस रेट कम होगा करके बहुत सारा डेटा हमें बता रहा है। हमें इस एम्ब्रियो रिटेंशन या इम्प्लांटेशन रेट को समझना चाहिए, लेकिन वो समझने के लिए पहले एग क्वालिटी को देखना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर तो ये है कि हर एक एम्ब्रियो जो भी हम लेबोरेटरी में बनाया जाता है, वो आवश्यक नहीं है कि आपके बॉडी में चिपके, यानी इम्प्लांट हो या बेबी पैदा हो, क्योंकि इसे IVF एट्रीशन रेट कहा जाता है। एट्रीशन का मतलब ये है कि जितने भी एग्स या एम्ब्रियोज बने हैं वो धीरे धीरे वायबिलिटी उनकी कम होती है। यानी कि अगर आपने, मैं आपको एक उदाहरण की तरह की जैसे समझाती हूँ, ये बहुत नेचुरल प्रोसेस है और ये हर पेशेंट को होता है, अक्सर ज्यादा मात्रा में होता है, बहुत कम लोगों को ये सारे एग्स एम्ब्रियो में होना, अच्छे क्वालिटी के एम्ब्रियोज बनना बहुत बहुत कम लोगों को होता है। इसका मतलब ये है कि जितने एग्स आप देंगे उतने ही एम्ब्रियोज बनना जरूरी नहीं है। इनफैक्ट जितने भी एग्स आप देंगे उससे कम फर्टिलाइज होंगे, उससे कम एम्ब्रियोज बनेंगे, उससे कम ब्लास्टोसिस बनेंगे। सो एक्चुअल परसेंटेज रेट क्या है? सो IVF का सक्सेस रेट 100% नहीं है, हर केस अलग होता है। इस सक्सेस रेट को हमें तोड़ना चाहिए। सबसे पहले तो देखिए, जितने एग्स निकाले जा रहे हैं उसमें 80% एग्स मैच्योर रहना चाहिए, और 80% ये जो मैच्योर एग्स हैं उन्हें फर्टिलाइज होना चाहिए। सो फर्टिलाइजेशन रेट 80% होना चाहिए, और जब ये फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियोस को हम और थोड़े दिन लैब में रखते हैं, 30-50% ही ब्लास्टोसिस स्टेज तक पहुंच पाते हैं या ट्रांसफर स्टेज तक पहुंच पाते हैं। चलिए ऐसे एक उदाहरण के तौर पे समझें। सपोज आपके 10 अंडे निकाले गए थे तो उसमें 80 मैच्योर होने चाहिए मिनिमम, इसका मतलब 8 मैच्योर होने चाहिए। अब इन 8 को हमने IVF या ICSI किया तो फर्टिलाइज के लिए 8 एग्स तो मिनिमम होने चाहिए। अब इन एग्स में से 80% ही फर्टिलाइज होने के चांसेस होते हैं, इसका मतलब 6 एम्ब्रियो बनेंगे, और इनमें से 30-35% का ही ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन रेट होता है, इसका मतलब 1-3 एम्ब्रियो ही ब्लास्टोसिस्ट तक पहुंच पाएंगे या ट्रांसफर तक पहुंच पाएंगे। सो ये जो नंबर है वो घटता रहता है। ये परसेंटेज सबके लिए एग्जैक्ट नहीं है, रूल ऑफ थंब नहीं है, बट ये जान लीजिए कि बहुत सारे स्टडीज वर्ल्ड ओवर ने देखा है कि जितने भी एग्स निकाले जाते हैं उनमें से 80-85% ब्लास्टोसिस स्टेज तक नहीं पहुंचते। तो ये मत सोचिए कि आपने 20 एग्स दिए थे और ब्लास्टोसिस नहीं बन पाए, या 20 एग्स दिए थे और केवल 4-5 ही ब्लास्टोसिस बन पाए। ये नेचुरल है, ब्लास्टोसिस फॉर्मेशन रेट केवल 30-50% ही है जितने एग्स फर्टिलाइज होते हैं। सो अगर आप ये सच जान पाए तो आपको IVF में उसके प्रोसीजर समझने में आसानी होगी, काउंसलिंग लेने में आसानी होगी। अगर IVF आपका फेल हो गया तो फिर से संभल के आपको नेक्स्ट कदम उठाने में आसानी होगी। याद रखिए कि एक IVF फेल होने का मतलब ये नहीं है कि IVF आपको काम नहीं किया, आप फिर से ट्राई कर सकते हैं, आप फिर से कोशिश कर सकते हैं। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मशक्कत की है, मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।